नमस्कार, मी नागेश कसगोंडे, महाजी न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. सध्या आपण आहोत वर्सोवा विधानसभेमध्ये. वर्सोवा विधानसभेचे अपक्ष उमेदवार किशनलाल हंस हे सध्या अपक्ष उमेदवार म्हणून लढत आहे. ते स्वतः राष्ट्रीय आम पार्टीचे अध्यक्ष आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ ही निवडणूक त्यांना कशी जाईल. किशनलालजी, आपने इस समय 2014 में आपने इलेक्शन लड़वाया था राखी सावंत को, बहुत बड़ा ग्लैमरस इंडिया का जो नाम है. आप इस समय खुद लड़ रहे हैं 2019 में विधानसभा, आपको कैसा लग रहा है? इतने बड़े दिग्गज आपके सामने, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, दिग्गज कोई नहीं है, दिग्गज को बनाने वाले हैं पब्लिक, इनको जिताने वाली है जनता. जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे 26 साल वर्सोवा में, इस ओशिवारा में मेरे को रेजिडेंस है, मेरा 26 ईयर्स है, 96 से रहता हूँ. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो चुन के आए, जो यहाँ पे एग्जिस्टेड हैं, किसी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया. तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, अगर मैं चुन के आऊँगा तो मैं उनके वो सपने पूरे करूँगा जो उनके अधूरे हैं. सर, आपके सामने 2 टाइम MLA, 4 टाइम MLA बलदेव खोसा जी है, 4 टाइम नगर सेविका राजुल पटेल जी है, 1 टाइम अभी स्टैंडिंग जो है MLA भारती लवेकर जी है. आप इन तीनों को एज एन इंडिविजुअल, आपकी पार्टी, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हो, आप लड़ रहे हो, इन तीनों से आपको मतलब मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला तो देखो, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जनता के ऊपर है. जनता चूज करेगी, जनता आपको रिजल्ट के दिन बताएगी कि भाई कौन बेटर है, कौन जनता के लिए किसने कितना काम किया है. ठीक है, अब आप 24 तारीख तक इंतज़ार करो, आपके आप सामने आ जाएगा कि जिन किसने किसके लिए, कौन किसके लिए कितना काम किया, किसने कितनी डेवलपमेंट की है, ये आपको पता चलेगा. वर्सोवा विधानसभा में क्या चीज़ें ऐसी बची है जो आपको करनी है, इसके लिए आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हो? सबसे पहले मुद्दा है मेरा PMC बैंक में, हमारे एरिया में, आनंद नगर से, गुलशन नगर से, जो लोग यहाँ हमारे मॉल में एज ए स्वीपर काम करते हैं और जिनकी सैलरी है 8,000, समझ गए, और हमारे मॉल का पैसा है उसमें 1.5 लाख की हमारी डेढ़ करोड़ की हमारी FD है और 50 लाख हमारा ऑन अकाउंट है, वो भी PMC में डूब गया. बहुत सारे लोग मेरे पास इधर आए, PMC बैंक के बाहर भी हम लोग गए. जब वहाँ पर जाते हैं तो जो बैंक वाले पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस वाले गाड़ियाँ भर के आ जाते हैं और सबको बाहर से भगा देते हैं. भाई, हमारा पैसा हम लेने जाते हैं और हमें नहीं मिलता, और उसके ऊपर से पुलिस हमको धक्के मारती है, तो इसका तो ये कोई मीनिंग नहीं हो गया. तो ये जनता, गरीब जनता कहाँ जाएगी, कौन है? कोई MLA नहीं आया, कोई भी बंदा आके किसी को मिला नहीं, किसी ने किसी को कोई सहानुभूति नहीं दी कि चलो भाई आपका पैसा डूब गया, हम आपकी मदद करते हैं. ये करना चाहिए था ना, तो कोई नहीं आया. आपका एक आखिरी सवाल, आप वर्सोवा विधानसभा की जो जनता है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपको उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट करना चाहिए और किस उम्मीदवार को विधानसभा भेजना चाहिए? मैं वर्सोवा विधानसभा की जनता को ये अपील करूँगा कि जो होनेस्ट है, जो ईमानदार है, जिसने आपके लिए कुछ किया है या जिससे आपको कोई उम्मीद है, उसको वोट दीजिए. अगर वो मुझे एक बार वोट देंगे, सबको मौका उन्होंने दिया, एक मौका मुझे दें, हो सकता है मैं उनके लिए दूसरों से बेटर करके दूंगा. हे होते राष्ट्रीय आम पार्टीचे पार्टी प्रेसिडेंट किशनलाल हंस. त्यांनी सांगितलं की सर्वांना एक मौका दिलेला आहे, तर मला पण एक संधी द्यावी, त्याच्यामुळे मी माझ्या संधीचं सोनं करून दाखवीन. आणि त्यांनी जनतेला आवाहन केलं की चांगला उमेदवार निवडा, मला जर संधी दिली तर मी तुम्हाला नक्कीच भविष्यात पुन्हा जरूर तुम्हाला तुमची मदत करेन सर्वांचीच. आणि त्यांनी एक मोठा मुद्दा उचलला आहे PMC बँकेचा, की PMC बँकेच्या ग्राहकांना जो त्रास होतो आहे सध्या, त्याच्यामुळे कोणीही राजकीय नेता त्यांच्या मदतीला येत नाही. मी नागेश कसगोंडे, महाजनसाठी सर्व महाराष्ट्राच्या जनतेला विनंती करेन की आपण जो आपल्या मतदानाचा अधिकार आहे तो मतदानाचा अधिकार बजवा आणि आपली लोकशाही बळकट करा. नागेश कसगोंडे, कॅमेरामन नितीन नगरकरसोबत महाजन न्यूज.